देखो बेटा, हम लोग जानते हैं कि माँ के गर्भ में मनुष्यों में जो भ्रूण का विकास होता है ना, जो भ्रूण बनता है वो डेवलप होता है कितने महीने में? 9। तो गर्भकाल कितने महीने का होता है? 9। तो हम लोग देखेंगे कि जो 9 महीने होते हैं उसके अंदर जो बच्चा है वो डेवलप होता है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, राइट? तो वो हम लोग देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले मानव में भ्रूणी अवस्थाओं का सारांश क्या क्या होता है। तो प्रथम सप्ताह के अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है? गर्भाशय के 24 से 30 घंटों में निषेचन, ठीक है। उसके बाद 48 घंटों में 2 कोशिकीय अवस्था आती है, मतलब एक कोशिका जो होती है वो डिवाइड हो जाती है और कितनी कोशिकाएं बना लेती है? 2 कोशिकाएं बना लेती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट इसके अंदर आपके दिया हुआ है कि 2 कोशिका अवस्था से जो है 48 घंटों में एक कोशिका से 2 कोशिका अवस्था आ जाती है। फिर तीसरे दिन किसका निर्माण होता है? मोरूला का निर्माण होता है। चौथे दिन जो है कोरक पुट्टी बनती है। कोरक पुट्टी क्या होती है ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। सातवें व आठवें दिन रोपण की क्रिया होती है, यानी जो संरचना बनी है, कोरक जो बनी है वो गर्भाशय की भित्ति से क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें कब होती है? पहले सप्ताह में होती है। द्वितीय सप्ताह में क्या होता है? कोरक पुट्टी गर्भाशय एंड्रोमेट्रियम में पूर्ण प्रवेश कर जाती है, यानी गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसके अंदर कोरक पुट्टी जो है वो पूरी तरह से क्या होती है? प्रवेश कर जाती है। भ्रूणीय बिंब एवं बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। भ्रूण के बाहर जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं उनका क्या हो जाता है? पूरी तरह से विकास हो जाता है। फिर उसके बाद आता है 14वें दिन आदि रेखा का निर्माण होता है। आदि रेखा वो रेखा होती है जिससे क्या होता है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, जो 3 हमारी मेन लेयर्स होती हैं जिससे सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, उसका क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर देखो, नेक्स्ट है तृतीय से छठे सप्ताह में। तीसरे सप्ताह में एक एंडोडर्म और मीजोडर्म नामक जनन पत्रों जो परतें होती हैं उनका क्या होता है? निर्माण होता है। और 20वें दिन क्या होता है? तंत्रिका भवन होता है, यानी तंत्रिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाती है। 28वें दिन हृदय का धड़कना शुरू हो जाता है। ग्रसनी चाप तथा भ्रूण के चारों ओर जो द्रव्य होता है, एमनियोटिक द्रव्य, वो जो है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। मस्तिष्क का तीव्र विकास होता है। फुफ्फुस व गुर्दे क्या होते हैं? दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है 6वें से 8वें सप्ताह में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो देखो, 6वें से 8वें सप्ताह में बाहरी कान उभरने लगते हैं। यकृत में आरबीसी का निर्माण शुरू हो जाता है। डायफ्राम तथा 6वें सप्ताह डायफ्राम का क्या होता है? निर्माण शुरू हो जाता है। उसके बाद है 7वें सप्ताह में कोहनियों उंगलियों को क्या होता है? जो है निर्माण होना शुरू हो जाता है। 7वें सप्ताह के अंदर अस्थि का निर्माण शुरू हो जाता है। 8वें सप्ताह के अंतर एक छोटे मनुष्य के भांति भ्रूण का आकार जो है वो दिखने लग जाता है। 8 सप्ताह अगर हम मानते हैं तो 1 सप्ताह होता है, मतलब 4 सप्ताह होते हैं इसके अंदर 1 महीने में। तो ये किस में हुआ? दूसरे महीने में ये क्रिया हो रही है। इस अब जो है थोड़ा मनुष्य के भांति जो संरचना दिखने लग जाती है उसे हम गर्भ कहते हैं। आगे बात समझ में? फिर आता है हृदय पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। उसके बाद है इसकी जो धड़कन होती है वो तेज होती है, लाइक हमारे अंदर कितनी होती है? 72 पर जो है प्रति मिनट होती है, लेकिन यहाँ पर 167 प्रति मिनट दर से धड़कता है, मतलब तेज धड़कता है। 8वें सप्ताह में 80% भ्रूणों में दाहिना हाथ क्रियाशील हो जाता है, मतलब हाथ हिलने लग जाता है उसका, या दाई या बाएं हाथ के व्यवहार का प्रथम साक्ष्य। 8वें सप्ताह में भ्रूण क्या करता है? करवट लेना शुरू कर देता है, थोड़ा सक्रिय भी होता है। आँख की पलकें क्या होना शुरू हो जाती है? विकसित होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद देखो, 8वां सप्ताह भ्रूणीय अवधि की समाप्ति होता है, यानी भ्रूणीय अवस्था समाप्त हो जाती है। इस समय तक प्रौढ़ व्यक्ति में पाई जाने वाली जितनी भी संरचना होती है, जैसे आज आप हो, आपके अंदर जितनी भी संरचना है वो उस भ्रूण के अंदर क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। फिर 9वें से 12वें सप्ताह में क्या आप चेंजेस देखते हो? 9वें सप्ताह में अंगूठा चूसना क्या कर देता है? बच्चा माँ के गर्भ में शुरू कर देता है, हाथ पैरों की गति करना शुरू कर देता है। कहते हैं बच्चे ने किक मारा है ना, तो वो पाँव से अपनी लात मारता है, तो वो हाथ
पाँव के मूवमेंट शुरू करते हैं। पलकें इस समय क्या होती है, बंद रहती है। कंठों में वाक रज्जु विकसित हो जाते हैं, जो रज्जु जिनके माध्यम से जिनमें कंपन होता है और आवाज़ आती है, तो वो वाक रज्जु क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। इस दौरान बाह्य लिंग विकसित हो जाते हैं, जिससे लड़का और लड़की की क्या की जा सकती है, पहचान की जा सकती है। लड़का होगा तो शिश्न होगा, है ना, और लड़की होगी तो भग जैसी क्या होती है, संरचनाएँ होती हैं। 9वें व 10वें सप्ताह में भार 25% तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 11वें सप्ताह में गर्भस्थ शिशु जम्हाई लेना और अधिकांश शिशु दाहिना अंगूठा चूसने लगते हैं। 10वें व 11वें सप्ताह में उंगलियों के निशान व नाखून पूर्ण क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। 11वें सप्ताह के अंत तक होठ नाक भी क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। फिर आता है 3रे से 4थे महीने तक। अब यहाँ महीना आ गया है, अभी तो सप्ताह चल रहा था, अब महीना आ गया है। 3रे से 4थे महीने तक मुंह में स्वाद नलिकाओं का विकास, नवजात शिशु की ग्रहण की गई ग्लूकोज को आंत्र द्वारा पचाना, मिकोनियम शिशु के द्वारा निष्कासित मल होता है। ये एक इम्पोर्टेंट आपको पूछा जा सकता है, मिकोनियम क्या होता है, तो शिशु के द्वारा जो मल निष्कासित होता है, अगर आंत पाचन कर रही है ना ग्लाइकोजन ग्लूकोज का, तो कुछ मल तो बनेगा, अवशिष्ट बनेगा, इसे हम क्या कहते हैं, मीकोनियम कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, बालिका गर्भ शिशु नर शिशु की तुलना में अधिक चलती है, ज़्यादा मूवमेंट होता है, मतलब ज़्यादा अगर मूवमेंट दिखा रहा है, कई होता है ना, पता चल जाता है, भले ही लिंग परीक्षण मत कराओ, सोनोग्राफी मत कराओ, फिर भी पता चल जाता है लड़का है कि लड़की। अगर लड़की है तो उसका मूवमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। दांतों का विकास होने लगता है, माँ को स्पष्ट रूप से शिशु हलचल का पता लगना शुरू हो जाते हैं, इसे क्लिंकिंग कहते हैं, है ना, जो किक करता है बच्चा, लात हाथ पांव चलाता है, मूवमेंट करता है, इसे क्या कहा जाता है, क्लिंकिंग। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है 4 से 6 महीने श्वसन नलिकाओं का पूर्ण विकास हो जाता है, गर्भ शिशु एक सफ़ेद द्रव्य में ढक जाता है, जिसे वर्णलिक्स कहते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन है कि गर्भ शिशु एक जो सफ़ेद कलर के द्रव्य से ढका रहता है, उसे क्या कहते हैं, वर्णलिक्स कहते हैं। कभी आप अगर डिस्कवरी देखते हो या कभी कोई मूवी वगैरह देखते हो, तो बच्चा जो होता है, आजकल मूवीज़ में तो फेंक होता है, लेकिन जो वीडियो बताते हैं डॉक्टर वगैरह का, है ना, हॉस्पिटल वगैरह का, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो बच्चे को आप देखते हो बच्चे का जन्म होता है तो वो सफ़ेद सफ़ेद होता है, वो किसकी वजह से होता है, उसके ऊपर पाउडर सा लगा रहता है, वो वर्निक्स की वजह से लगा होता है। शिशु के श्वसनांग व आंतरिक कर्ण पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, शिशु उच्च ध्वनि तीव्रता के प्रति प्रतिक्रिया करता है, तेज ध्वनि के प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, यानी सुन सकता है अंदर से। 6ठे महीने सिर पर बाल उगते हैं, त्वचा में विभिन्न ग्रंथियों का विकास हो जाता है, फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। 6ठे महीने में से जन्म तक 6ठे महीने में शिशु पलके झपकाने लगता है, इस समय मस्तिष्क में तेजी से वृद्धि व और इसका भार बढ़ जाता है। 17वें माह में अश्रु ग्रंथि विकसित हो जाती है, सूंघने की क्षमता का विकास होता है। गर्भ शिशु चेहरे की जो अभिव्यक्ति है, यानी एक्सप्रेशन है, वो बदलता है। त्वचा के नीचे भूरी वसा का निर्माण होता है, जो जन्म के बाद ताप नियंत्रण में क्या करता है, सहायता करते हैं। फिर है 8वें माह में फुफ्फुस यानी फेफड़ों में कुप्पिकाओं का विकास होता है, गर्भ शिशु आंवल से स्रावित एस्ट्रोजन से माता को प्रसव दर्द होने लगता है, जिससे बच्चे का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर आपके जो 9 महीने तक एक बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, भ्रूणी अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, वो बताया गया। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि भ्रूणी अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को लिखिए, तो आपको 9 जो प्रोसेस है उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।